पिछले काफी दिनों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए अपडेट नहीं निकल कर आ रही थी, बट फाइनली जो कि आज यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो कि सामने निकल कर आ रही है एंड बहुत ही बड़ी गुड न्यूज जो कि सामने निकल कर आ रही है। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से डिटेल्स में बात करने वाले हैं। लेकिन गाइज मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। और गाइस अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा एंड आईडी आपके सामने नजर आ रही होगी। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि बीसीसीआई के सामने बहुत सारी इस बार चुनौती आ चुकी है। जैसे आपको पता होगा कि आईपीएल 2020 को लेकर बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे थे, ये प्लानिंग होगा लेकिन कोई भी प्लानिंग जो कि कामयाब नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली जो कि आज बीसीसीआई का मीटिंग है और उस मीटिंग में हमें पता चल जाएगा आईपीएल 2020 होगा कि नहीं। लेकिन बीसीसीआई ने एक क्लू तो दे दिया कि आईपीएल 2020 कैंसिल नहीं होने वाला। आईपीएल 2020 आपको आखिर में देखने को मिलेगा, लास्ट तक देखने को मिलेगा, थोड़ा लेट देखने को मिलेगा, लेकिन आईपीएल आपको देखने को मिलेगा। आईपीएल कैंसिल नहीं होने वाला। अगर आईपीएल कैंसिल होता है तो करोड़ों रुपये जो नुकसान हो सकता है बीसीसीआई को, और उस नुकसान को बीसीसीआई सहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अगर आईपीएल नहीं होता है तो करोड़ों रुपये जो नुकसान हो सकता है बीसीसीआई को, और इसी वजह से आईपीएल को कैंसिल करवाने के मूड में बीसीसीआई बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस अब हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से जो गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है गाइस यहाँ पे एरन फिंच को लेके। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे ये खिलाड़ियों को पूछा गया आईपीएल 2020 को लेके आपका क्या कहना है, जैसे कि मैंने आप सभी को एक स्पेशल वीडियो पे बताया था अभी। और ऐसे कि जैसे कि आपको मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया के जो कोच होते हैं उन्होंने भी खुद कहा था कि आईपीएल होना चाहिए वर्ल्ड कप से पहले, और अगर आईपीएल होता है तो हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, हमारे प्लेयर्स के लिए नहीं और भी जितने सारे टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस साल तो आपको बहुत कम क्रिकेट देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसे अगर आईपीएल होता है तो आईपीएल एक ऐसा लीग है जहाँ पे सारे बड़े बड़े प्लेयर जो कि सामने रहते हैं और यहाँ पे अच्छे कॉम्पिटिशन हो सकते हैं और यहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेयर के साथ यहाँ पे बातचीत कर पाएंगे खिलाड़ी एंड थोड़ा घुल मिल के रह सकेंगे एंड अपना जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ कहना था ऑस्ट्रेलिया के कोच का। और ऐसे में एरन फिंच का भी यहाँ पे बयान आ चुका है, एरन फिंच का भी यही कहना है कि आईपीएल बिल्कुल होना चाहिए और आईपीएल को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि कब हमें कॉल आएगा और हम कब इंडिया के लिए रवाना होंगे। तो एरन फिंच बिल्कुल तैयार है आरसीबी के लिए एकदम पूरी तरह से परफॉर्मेंस करने के लिए और एरन फिंच आईपीएल खेलना चाहते हैं। उसके बाद कैसे आप बात करते हैं केन रिचर्डसन को लेके। तो कैसे केन रिचर्डसन का भी कुछ ऐसा ही बयान था कि मैं 4 साल बाद यहाँ पे आईपीएल में वापसी कर रहा हूँ और उसी टीम के लिए मैं खेल रहा हूँ जिस टीम के लिए मैंने 4 साल पहले खेला था और मैं फाइनल खेला था, तो मैं उस टीम के लिए खेला हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आईपीएल को लेकर और आईपीएल के कब कॉल आएगा मैं सब इसी का इंतजार कर रहा हूँ। मैं फ़ोन के पास बैठा रहता हूँ कि कब मुझे आईपीएल के लिए कॉल आएगा और मैं इंडिया के लिए रवाना होऊंगा, तो मैं आईपीएल खेलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ऐसा केन रिचर्डसन का भी कहना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के दो प्लेयर जो कि पूरी तरीके से तैयार है आरसीबी के लिए खेलने के लिए, और इससे आरसीबी के प्लेयर नहीं ग्लेन मैक्सवेल सभी प्लेयर जो कि पूरी तरह से एक्साइटेड है आईपीएल खेलने के लिए। उसके बाद कैसे अब बात करते हैं एबी डेविलियर्स को लेके। तो गाइस एबी डेविलियर्स को लेके भी बहुत सारे ऐसे चर्चे हो रहे थे क्या एबी डेविलियर्स आएंगे कि नहीं इंडिया में। तो गाइस उन्होंने भी जो कि साफ कर दिया कि आईपीएल जब भी हो लेकिन मैं आईपीएल खेलने के लिए ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मैं आईपीएल को बिल्कुल भी मना नहीं करने वाला और आईपीएल जब भी स्टार्ट होगा मैं हमेशा आरसीबी के लिए अवेलेबल रहूँगा और इंडिया मैं पहुँच जाऊँगा। तो गाइस यहाँ पर पूरी तरह से एबी डेविलियर्स ने भी साफ कर दिया कि मैं आईपीएल जब भी शुरू होगा लेकिन कोई हो ना हो लेकिन मैं पूरी तरह से आरसीबी के लिए परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार रहूंगा और मैं आरसीबी के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा, एबी डेविलियर्स ने भी साफ कर दिया। तो गाइस ये थी सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए निकल कर आ रही थी। तो तीनों बड़े सितारे जो कि पूरी तरह से आरसीबी के लिए परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार है और ये तीनों आरसीबी के प्लेयर्स पूरी तरह से आरसीबी की तरफ से परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार है और आईपीएल का ये लोग वेट कर रहे हैं कब आईपीएल का कॉल आएगा उन लोगों को और वो लोग इंडिया के लिए रवाना होंगे। तो गाइस आपको क्या लगता है कौन से तारीख से आईपीएल 2020 स्टार्ट होना चाहिए, कौन से महीने से आईपीएल 2020 स्टार्ट होना चाहिए, आपका इस बारे में जो भी ओपिनियन है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। और गाइस अगर आपको ये न्यूज़ ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे उसको सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।